हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू पीयूष कनाडा। तो यार मेरी सिस्टर बहुत ही रिसेंटली TRU आई है और अभी ये सितंबर इंटेक, इसी वाले फॉल इंटेक के लिए आई है। तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। तो आज मेरी सिस्टर से हम इस बारे में बात करेंगे कि इमिग्रेशन पे इससे क्या क्या क्वेश्चंस हुए, किस किस क्वेश्चन के लिए ये प्रिपेयर्ड थी एंड टोटल इमिग्रेशन पे क्या एक्सपीरियंस था, इस बारे में हम बात करेंगे। हाय, आई एम उदीशा एंड मैं अभी फॉल सेमेस्टर में ही आई हूँ। दिस इज माय फर्स्ट सेमेस्टर एंड मैं यहाँ पे परस्यू कर रही हूँ पोस्ट बैक इन ह्यूमन रिसोर्सेज। आई एम गोना हैंड इट ओवर टू यू, टेक ओवर एंड टेल योर फुल एक्सपीरियंस। मैं कैमरा के पीछे मूव होने वाला हूँ। सबसे पहले तो मतलब टर्मिनल पे ही मेरा उन्होंने बस पासपोर्ट देखा, टिकट देखा एंड मेरा फेस मैच करा एंड दे लेट मी इन। सेकेंड जब मैं गई अपने चेक इन कराने अपने बैग्स, तो वहाँ पे भी इट वाज वेरी स्मूथ। कुछ नहीं करा उन्होंने, मेरे बैग्स लिए, उन्हें वे करा और मेरे बैग सारे लिमिट के अंदर ही थे। मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, मेरा टिकट मांगा एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे एक चीज़ ये हो गई कि उन्होंने मुझसे पूछा कि बाई चांस यानी कोई बैटरीज तो नहीं है आपके बैग में, एंड तब मुझे याद आया कि ऑलराइट, मेरे बैग में कुछ था। देन आई हैड टू अनलोड माई बैग्स वहाँ पे जाके। फिर मैंने वहीं एयरपोर्ट पे अपने बैग्स खोले, पीछे जाके एक पिलर के पीछे जाके देवर लाइक कि आप वहाँ जाओ, खोलो अपने बैग्स, अपना बैटरी निकालो एंड देन कम बैक। तो फिर वहाँ पे मैंने अपना बैग खोला, वहीं पे अपना बैटरी निकाली, उसमें से उसको अपने हैंड बैगेज में डाला बिकॉज उसमें ले जा सकते हैं। एंड उसके बाद वापस मैंने सील करके लॉक करके अपना बैग उनको फिर से वे करने दिया, तब जाके मेरा फिर दे हैंडेड मी माई बोर्डिंग पास। ओके, देन दे हैंडेड मी माई बोर्डिंग पास। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि अब मुझे जाना था इंडियन इमिग्रेशन में, जहाँ की मुझे थोड़ी टेंशन हो रही थी कि बस यहाँ पे मैं क्लियर हो जाऊँ, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाए। तो वहाँ पे मैं गई। ऑफकोर्स वहाँ पे ना लाइन बहुत लंबी थी, इवन दो मेरी सुबह 5 AM की फ़्लाइट थी, तो आई वॉज देयर एट अराउंड 1 or 2, इट वॉज़ अराउंड 1 AM जब मैं इमिग्रेशन की लाइन में खड़ी थी, एंड तब भी वो लाइन बहुत लंबी थी। बट हुआ क्या कि लाइन तो क्लियर हो गई थोड़ी देर में, एंड इमिग्रेशन पे उन्होंने मुझसे बेसिकली कुछ नहीं पूछा। दे आज मी फॉर माई पासपोर्ट, दे आज मी कि आप का वट इज़ योर पर्पज़ ऑफ विजिट, इतना उन्होंने मुझसे पूछा। उन्होंने, मैंने बता दिया कि मैं स्टडी के पर्पज़ से जा रही हूँ, और उन्होंने फिर आई थिंक मुझसे पूछा था कि आपका प्रोग्राम की लेंथ पूछी थी। यस, तो मैंने बता दिया कि मेरा 2 साल का प्रोग्राम है एंड दे वर लाइक ओके। उन्होंने मेरा पासपोर्ट वहीं पर स्टैम्प एंड डन। इससे ज़्यादा उससे मुझे कोई क्वेश्चन किसी से नहीं करे उन्होंने, मुझसे नहीं करे। देन उसके बाद मैं गई सिक्योरिटी चेक में। वहाँ पे भी एज यूजुअल क्राउड तो था ही, बट इट्स फाइन। वो भी सिक्योरिटी चेक में ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई। उन्होंने, मैंने अपना सामान वगैरह वहाँ पे रखा एंड उन्होंने मेरा चेकिंग करा, मेरे बोर्डिंग पास पे स्टैम्प लगाया एंड आई वाज गुड टू गो। सो नाउ अभी मैं बैठ गई अपनी सीट में, मेरी विंडो सीट थी विच वॉज नाइस। मैंने 14 घंटे मैं नहीं बैठ सकती थी आइल पे, कि तो मैंने कहा मैं आराम से अपना विंडो सीट पे बैठ के बाहर देखूंगी। बट 14 आवर्स की फ़्लाइट, मुझे बैठ के पता चला कि कितनी हालत ख़राब होती है। एक ही सीट पे बैठे रहना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड अगर मुझे ऑनेस्टली ऑप्शन होता कि मैं ऐसा डिवाइड, ऐसा इनडायरेक्ट रूट लेके चले जाऊँ, तो मैं 100% इनडायरेक्ट रूट लेके जाती कि थोड़ा ब्रेक मिल जाता, बिकॉज 14 आवर्स इज़ टू मच। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं तो कनेक्टिंग फ़्लाइट ही प्रेफर करूँगी। देन उसके बाद फ़्लाइट में चलो हो गया जैसे तैसे, ठीक है। तो फाइनली 14 घंटे बाद मैं लैंड हुई वैंकूवर एयरपोर्ट पे, एंड वहाँ से हमको डायरेक्ट करा गया कि एक लाइन में लग के सारे ऐसा, उसमें सेक्शंस बने हुए थे कि इंटरनेशनल डिपार्चर्स और डोमेस्टिक डिपार्चर्स करके। तो वहाँ पे मैंने अपनी लाइन ज्वाइन करी और आगे हमें डायरेक्ट करा कि बहुत सारे कियोस्क लगे थे, उसमें आपको जाके अपना पासपोर्ट स्कैन कराना है एंड ऑल। तो जब मैं, अब मेरा टर्न आया, मैं उस पर गई। सो उधर हुआ क्या कि सबसे पहले तो उन्होंने मतलब एक स्कैनर लगा था, उसमें मैंने अपना पासपोर्ट स्कैन कराया। उन्होंने मेरी पिक्चर क्लिक करी उस कियोस्क में ही, सेल्फ ऑपरेटेड ही था वो। उस कियोस्क में काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, जो फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस ये थे कि आप कितना कैश कैरी कर रहे हो अपने साथ, कितना पैसे लेके आ रहे हो, और आपका है मतलब आपने फार्म कोई विजिट करा है क्या या फिर करने वाले हो, इस तरह के क्वेश्चंस थे जो आई वॉज रेडी टू आंसर। मुझे सारा पता था अपना इन्फॉर्मेशन, बट हाँ। तो यहाँ पे फिर हमने अपना पासपोर्ट स्कैन करा, उसके बाद वो कियोस्क में से एक रिसीट बाहर आती है, उसमें आपका कुछ नंबर लिखा होता है, वो लेके फिर यू मूव फॉरवर्ड। फिर वहाँ पे कोई चेकिंग कोई पर्सन खड़ा होता है, वो चेक करते हैं। उन्होंने रिसीट देखी मेरी, पासपोर्ट देखा मेरा एंड देन दे टोल्ड मी आई वाज गुड टू गो, चलो आगे निकलो। आगे निकल के फिर नेक्स्ट स्टेप वॉज कि अपना बैगेज क्लेम। तो मैं अपने गई अपने बेल्ट पे, फिर मैं काफ़ी देर मैंने वेट करा, आधा घंटा हुआ, 40 मिनट्स हुए, फिर सडनली ऐसा अनाउंसमेंट होती है कि सिर्फ मेरी ही पर्टिकुलर फ़्लाइट में डिले हो गया है, कि
स्टाफ शॉर्टेज हो गई है एंड आपके बैग्स आने में टाइम लगेगा. सो वहाँ पे मैं 1.5 आवर मैंने वहीं वेट करा अपना बैग्स का. आए बहुत धीरे धीरे आ रहे थे मेरे बैग्स, बट स्टिल फाइनली जब मेरे बैग्स आए मैंने उनको ट्रॉली पे लोड करा. देन उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि एक ऐसा डेजिग्नेटेड प्लेस थी वहाँ पे आप अपनी ट्रॉली को रखो, पार्क करो, देन यू गो इनटू इमिग्रेशन, कैनेडियन इमिग्रेशन. नाउ फाइनली यहाँ पे मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि क्या मुझसे ऐसा पूछ लेंगे. चलो फिर फाइनली अब बात करते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की. मेरा सब मैंने बैगेज रख दिया है अपना डेजिग्नेटेड स्पॉट पे, अब मैं आ गई अंदर. यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था मुझसे क्या पूछ लेंगे ऐसा, और मुझे वापस ना भेज दें यहाँ से. तो वहाँ पे जैसे बहुत बड़ा सा हॉल था और बहुत सारे ऑफिसर्स खड़े हुए थे वहाँ पे, बट वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं ना कि देख के मुझे थोड़ा सा कंफर्ट मिला कि चलो सब मेरे जैसे ही है वहाँ पे, कोई ऐसा पहले से नहीं आया. सो हुआ पहले वो क्या कर रहे थे, मैं वहाँ पे जाके बैठी, बहुत ही शांति हो रखी थी वहाँ पे, मैं वहाँ जाके बैठी तो वो एक एक करके लोगों को कॉल कर रहे थे. मे बी जिस ऑर्डर में वो लोग एंट्री लिए उन्होंने उस ऑर्डर में कॉल कर रहे थे आई थिंक. बट वहाँ पे फिर इतना ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना, तो उन्होंने एक ऑफिसर ने क्या करा, आके जितने भी स्टूडेंट्स बैठे थे सबसे आके उन्होंने हमारा पासपोर्ट और PPR उसका प्रिंट आउट कलेक्ट करा. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि सबके पास वो होना चाहिए. मैं लेके आई थी, मेरे पास सब कुछ था, उसकी कॉपी भी थी. तो काफ़ी तो उन्होंने सब सिर्फ यही कलेक्ट करा, पासपोर्ट एंड PPR. उसके बाद उन्होंने अपना उसका बंडल बनाया, बंच बनाया, इधर उधर थोड़ा डिवाइड करा, फिर वो एक एक करके बुला रहे थे. तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा मेरी टर्न आने में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे वहाँ पे जो हैंडल कर रहे थे ये. वहाँ पे उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझसे, मैं आई वॉज़ रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, बट उन्होंने मुझसे अल्टीमेटली पूछा क्या, आपका बर्थ डेट और आपका प्रोग्राम ऑफ स्टडी, ये बस इतना उन्होंने मुझसे पूछा. मैंने सही बता दिया, उन्होंने देखा हाँ मैच कर रहा है एंड दे स्टैम्प्ड माय पासपोर्ट, दैट्स इट. और स्टडी परमिट दे दिया, और मुझे हाँ, और उन्होंने मुझे स्टडी परमिट दे दिया. उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे बैठो, इसे अभी चेक कर लो सब कुछ सही लिखा है कि नहीं, क्योंकि अगर कुछ भी मिस्टेक है तो आप अभी ऑन द स्पॉट बता दो. दे टोल्ड अस टू डू दैट. तो मैं वहाँ बैठी, मैंने अपना स्टडी परमिट ढंग से देखा. सो जब उन्होंने मुझे दिया स्टडी परमिट चेक करने को, सो मुझे पता था पहले से कि मुझे क्या क्या चीज़ें स्पेसिफिकली चेक करनी है. तो अपना डिटेल्स तो आपको देखना ही है कि नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, पासपोर्ट नंबर वगैरह, वो सब पहले चेक करा. फिर एंड में सबसे नीचे उसमें ना लिखा होता है कि यू आर परमिटेड टू वर्क ऐसे ऑफ कैंपस फॉर 20 आवर्स, ये लिखा होना चाहिए. तो मैंने वो ध्यान दिया कि वो लिखा है कि नहीं, कि ऑफ कैंपस यू कैन वर्क फॉर 20 आवर्स. That's all जो मैंने अपने स्टडी परमिट में चेक करा. तो which all questions were you prepared for? चल ठीक है, it was good luck they just asked you 2 questions, तेरे से दो या तीन क्वेश्चन पूछे, but which questions were you prepared for कि अगर ये पूछ ले तो मैं I am ready. So मैंने actually list बनाई थी इसकी कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, इनका आंसर मेरा टिप्स पे है और सब कुछ है मेरे पास. तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे प्रिंटेड थे, सारे जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने वीज़ा एप्लीकेशन में लगाए थे वो सब कुछ था मेरे पास. और मेरे यूनिवर्सिटी के भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, मेरा ऑफ़र लेटर और ये सब फीस पेमेंट का सब कुछ मैंने मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में था. उसके बाद फिर मैं क्या क्या क्वेश्चंस के लिए रेडी थी कि मेरा प्रोग्राम का लेंथ कितना है, कितने साल के लिए मैं पढ़ने जा रही हूँ, उसके बाद मेरा मतलब प्रोग्राम का नाम क्या है, क्या सब्जेक्ट मैं पढ़ने जा रही हूँ, मेरा यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, मैंने कितनी फ़ीस ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ मैं, ये मुझे पता होना चाहिए एग्जैक्टली. और मुझे अपना GIC का एग्जैक्टली पता होना चाहिए, किस बैंक से मेरी GIC और मैंने कितना अमाउंट दिया है GIC में. उसके बाद मैं कितना कैश कैरी कर रही हूँ अपने साथ, कैश माने नोट्स और कार्ड में कैश इन हैंड मेरे पास कितना है. फिर कि मैं अभी यहाँ से वैंकूवर से मैं अपनी यूनिवर्सिटी तक कैसे जा रही हूँ, ये मेरे पास एक प्लान होना चाहिए, ये मुझे मैं इसका आंसर मेरे पास था. अभी मैं लैंड होते ही मैं कहाँ मेरे पास घर है रहने को कि नहीं, या मैं होटल में रुक रही हूँ या किसी के साथ रुक रही हूँ, तो अकोमोडेशन क्लियर होना चाहिए कि आप कहाँ रुक रहे हो, मतलब इसका मेरे पास आंसर था. फिर मेरे पास मेरा टाइम टेबल भी था कि मतलब मैं कौन से कोर्सेज इस सेमेस्टर में अभी जाते ही लेने वाली हूँ, क्या क्या पढ़ने वाली हूँ. और फिर हम यही सारे क्वेश्चन, मतलब बेसिकली मुझे इन शॉर्ट जो भी मैंने मेरी सारी डिटेल मेरे को अच्छे से पता थी कि कुछ भी पूछ लो मेरे से आई एम रेडी टू आंसर, कि मैं यहाँ पे कब से कब तक हूँ, क्या करने आई हूँ, क्या पढ़ रही हूँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स A to Z मुझे सब कुछ पता था कि मैंने क्या क्या लगाया है. एंड मुझसे कहीं भी कुछ पूछ लेंगे तो आई नो कि मैंने कैसे एप्लीकेशन दी है. डिड यू एट एनी पॉइंट फील के वीज़ा ऑफिसर्स आर ट्राइंग टू ट्रिक यू के इमिग्रेशन में कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं, और देयर लाइक के आप अंदर नहीं आ सकते, आप वापस जाओ, व्हाटएवर थिंग्स लाइक दैट?
ऐसा तो मुझे जेन्युइनली किसी भी पॉइंट पे नहीं लगा कि वो आपसे ऐसा कोई ट्रिक क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाँ आप गलत आंसर दो, पकड़ने के लिए नहीं बैठे. वो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनिंग करते हैं कि हाँ जस्ट क्रॉस चेक कर रहे हैं आई थिंक वो. दिस इज व्हाट आई फील. ऐसा कोई ट्रिक क्वेश्चन तो बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ कि दे आर नॉट आफ्टर मी. ठीक है. डू यू थिंक के किसी के आइल्स में बैंड अच्छे नहीं है राइट, तो क्या वो भी इमिग्रेशन क्लियर कर सकता है? यस ऑफ कोर्स. इमिग्रेशन में वो सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा वो आपकी इंग्लिश टेस्ट नहीं कर रहे वहाँ पे. सिंपल आपको वन वर्ड टू वर्ड आंसर्स वाले क्वेश्चन पूछते हैं वो. जैसे मेरे से मैंने बताया कि मेरे से तो डेट ऑफ बर्थ ही पूछी थी. सो ऐसा आईएलटीएस बैंड से कोई इमिग्रेशन क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है. थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए. आई होप इस वीडियो से आपके थोड़े से क्वेश्चंस आंसर हुए होंगे कि इमिग्रेशन पे एक्चुअली क्या होता है. इज इमिग्रेशन डिफिकल्ट? इज इमिग्रेशन इजी? इसके बाद भी अगर आपके इमिग्रेशन रिलेटेड कोई क्वेश्चंस रह जाएं, आप प्लीज कमेंट्स में डाल दो. आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. जो लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं प्लीज हाई लिख के मत छोड़ा करो, अपना पूरा मैसेज डाल दिया करो. जब भी मेरे को टाइम मिलेगा आई विल आइदर रिस्पॉन्ड या फिर मैं आपको ऑडियो नोट भेज कर रिस्पॉन्ड कर देता हूँ. थैंक यू सो मच. बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.